चलिए आज बनाते हैं सिंपल सी लंच की थाली। उसे बनाऊंगी मैं आज लौकी की चना दाल और रायता बनाऊंगी। खीरे का चटनी है, रोटी है और खीरे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, थोड़ा सा बनाया है लंच आज मैंने। तो ये थाली चलिए कैसे बनाई है आपको दिखा रहे हैं। आधी कटोरी से भी कम चने की दाल को हमने धो करके पानी में भिगो दिया था करीब 30 मिनट के लिए। तो दाल हमारी भीग चुकी है, उसका पानी हम निकाल देंगे। लौकी को हमने इस तरह से बारीक काट लिया है छील करके, छोटी सी लौकी थी बिल्कुल। एक प्याज है और 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं, सबको डाल करके इसमें चॉपर में काट लेंगे। साथ ही 2 हरी मिर्च भी ले लेंगे। इसी में टमाटर काट लेंगे। देसी घी लेंगे, जीरा, हींग, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च कटी हुई। अब इसको भूनते हैं। प्याज भून गई, अब डाल देंगे टमाटर। बस टमाटर को भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब डाल देंगे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। मसाले भूनने के बाद डालेंगे लौकी, डाल देंगे दाल। सबको अच्छे से मिलाएंगे, पानी डाल देंगे, नमक सबको मिला देंगे। ढक्कन लगा करके और इसको 4 सीटी आने तक बनने देंगे। दही को फेंट लेंगे, रायता बनाऊंगी इसका मैं। नमक डाल देंगे, रायता मसाला रखा है मेरे पास, थोड़ा सा रायता मसाला डाल देंगे, मिला देंगे। खीरा लेंगे, खीरे को छील देते थोड़ा सा खीरा हम टेस्ट कर लेंगे, खीरा कड़वा तो नहीं है, खीरा बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। इसको भी छील लेते हैं। मैंने 2 खीरे छीले हैं, तो इसका बनाऊंगी मैं सलाद। सलाद में काट लूंगी और जो हमने टेस्ट करा था इसको मैं रायते में डालूंगी। अगर टेस्ट करे बिना डालेंगे तो खीरा कड़वा निकला, अगर तो रायता हमारा पूरा कड़वा हो जाएगा। तो इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। अब इसमें हम दही में इसका खीरे का पानी वो भी डाल देंगे और खीरा भी डाल देंगे। चलिए खीरे का रायता हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम जब सर्व करेंगे तो भुना जीरा पाउडर भी डाल देंगे, तो उससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है। चलिए अब दाल देख लेते हैं। देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, बिल्कुल देखिए टूटी हुई दिख रही है बिल्कुल दाल आपको। लौकी भी गल गई, तैयार है हमारी। इसको हमारी तरफ बोलते हैं दौल की लौकी। तो ये दाल वाली लौकी है चने दाल की। हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे। अब सेकते हैं रोटी। चलिए तवा गर्म हो गया है, रोटी हमने बेल ली है, डाल देंगे। ये लगा देंगे गरम रोटी पे।
चलिए अब सर्व करते हैं। लौकी वाली दाल लेंगे, चना दाल, रायता, चटनी रखेंगे साथ में, रोटी रखेंगे, सलाद, खीरे काटे हैं सलाद में आज मैंने, बस डाल देंगे देसी घी। दाल गर्म है तो घी इसमें अपने आप अभी पिघल जाएगा। हरे धनिया कटे हुए, थोड़े हरे धनिया रायते में डाल देते हैं, रायते में भुना जीरा पाउडर भी डाल देंगे। ये तैयार हो गई है हमारी आज की लंच की थाली। तो चलिए इस लंच की थाली को आप बनाइए, एंजॉय कीजिए। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा मुझे। सिंपल सी थाली बनाई है लंच में मैंने आज।